और यहाँ रिम डिफेंस एकेडमी में हम बच्चे के सारे सबसे पहले टेस्ट लेंगे, उसका रिटर्न का क्या लेवल है, पढ़ाई उसकी कैसी है, परसेंटेज वगैरह उसकी क्या रही है, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसके लिए कौन सा जॉब बेस्ट हो सकता है, इसके लिए फ्री होता है बिल्कुल करियर काउंसलिंग, जिसके लिए आप पेरेंट्स आप बच्चों के साथ कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कितने समय में इस बच्चे के लिए कौन सा जॉब बेस्ट हो सकता है, किसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है, कितना उसमें समय लगेगा, कितना उसमें खर्चा लगेगा। रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, जोटवाड़ा में। हमारे पास खुद का फिजिकल का पूरा ग्राउंड है, पूरा ट्रैक है, हॉस्टल फैसिलिटी है, क्लासरूम है, ऑनलाइन ऑफलाइन। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा ये वीडियो पेरेंट्स के लिए होगा, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स का सम्मान करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि मेरे ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो, इस टीम पर इतना विश्वास कर रहे हैं आप, इसके लिए आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आज के वीडियो में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें डिफेंस का सपना पूरा करा सकते हैं आपके बच्चे का भी, और आपको भी वो सारी चीज़ें फील करा सकती हैं जो बच्चे के गवर्नमेंट जॉब लगने पर जो फीलिंग्स होती हैं वो आपको भी वो फीलिंग आ पाए। साथ में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, वो भी एक बार पूरा इस वीडियो को देखिए और उसके बाद अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए, जिससे कि जो चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं वो आपके पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव ज़्यादा होता है और वो आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बताना चाहूँगा कि अपन जब बच्चे को डिफेंस के लिए तैयारी कराना चाहते हैं तो उसको थोड़े समय में तैयारी कराने से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत से पेरेंट्स वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, वैकेंसी आने के बाद फिर इतना समय नहीं होता है कि उससे कि बच्चा फिजिकल भी तैयारी कर सके और रिटर्न भी तैयारी कर सके। तो आप कम से कम जब बच्चे को डिफेंस में भेजना है तो 12th के बाद में जब वो 16 साल का हो जाता है तो उसी टाइम उसको प्लान करिए, उसी टाइम उसको ये चीज़ देने की कोशिश करिए कि वो कॉलेज भी अपनी साथ कर सके और डिफेंस की तैयारी भी कर सके। कई बार हम कॉलेज के चक्कर में उसके 2-3 साल खराब कर देते हैं, तो वो टाइम आप उसका ख़राब नहीं करें। कॉलेज प्राइवेट भी की जा सकती है, कॉलेज कंपटीशन की तैयारी के साथ भी की जा सकती है, और उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपकी आय मध्यम श्रेणी है, अगर आप मीडियम फैमिली से आते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गया तो उसके बाद कॉलेज साथ साथ चलती रहती है, और बच्चे में अगर काबिलियत हुई तो वो आराम से उसके बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करके और बड़े पदों पे पहुंच सकता है। मैं आज इस सेशन के अंदर दो पार्ट में इसको पूरा करूँगा। पहला, वो पेरेंट्स जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो अपने बच्चों को कंपटीशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए, और दूसरा वो पेरेंट्स जो नौकरी करते हैं, जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, जो पैसा तो खर्च कर सकते हैं लेकिन जिनके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है, चाहे वो घर से बाहर रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो घर में रह के भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए दोनों तरह के अलग अलग मैंने बैचेज प्लान किए हैं, जो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दूसरी चीज़, वैकेंसी का इंतज़ार करने के बाद बच्चे को या तो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं या फिर उसको रिटर्न की तैयारी करवाते हैं। दोनों में से एक तैयारी उसको एक बार में करवाते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। जैसे हमने पहले रिटर्न एग्जाम तैयारी करवाई, रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद फिर उसको फिजिकल की तैयारी का प्लान करते हैं, तो फिर कम टाइम के अंदर फिजिकल वो पास नहीं कर पाता है। पिछले दिनों हमने देखा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, चाहे दूसरी किसी एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद कुछ समय के बाद ही फिजिकल करवा लिया गया, और उससे पूरी मेहनत बच्चे की बेकार हो गई। रिटर्न में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन फिजिकल पास नहीं कर पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि फिजिकल का काम ऐसा है जो 15-20 दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने का टाइम तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए। सेम वैसे ही रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी, कई बार हम जिन एग्ज़ाम्स में पहले फिजिकल होता है तो हम सिर्फ फिजिकल तैयारी बच्चे को कराते हैं, और उसके बाद में जब फिजिकल पास कर लेता है तब उसको सोचते हैं कि अब इसको रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं, तो वही सेम कंडीशन फिर आती है कि 1-2 महीने के अंदर फिर रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकती। तो अगर आपका डिफेंस का सपना है तो उसको दोनों तैयारी एक साथ करवाइए, रिटर्न भी उसको करने दीजिए साथ साथ और फिजिकल भी करने दीजिए, और दोनों एक साथ आराम से हो सकती हैं। फिजिकल के लिए सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगता है और रिटर्न एग्जाम के लिए 8-10 घंटे पढ़ाई पर्याप्त होती है, तो टोटल 10-12 घंटे में उसको 10-12 घंटे एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। बच्चा भी इंगेज रहता है, बच्चा भी
मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, शरीर से भी वो स्वस्थ रहता है और दोनों तैयारी एक साथ भी कर सकता है। तो रिम डिफेंस एकेडमी में ये दोनों तैयारी आपको एक साथ मिल सकती है। अलग अलग तरह के बैचेज हैं हमारे पास, अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं सारी। एक चीज आप और ध्यान रखिए, देखिए हम स्कूल बच्चे को अच्छा करा देते हैं, 12वीं तक पढ़ा दिया हमने, 12 साल तक बच्चे पे खर्चा लगा दिया, उसके बाद जब उस खर्चे का फायदा लेने का टाइम आता है उस समय हम लापरवाही करते हैं। उस समय हम अगर एक साल बच्चे को अगर और खर्चा लगा दें, एक साल बच्चे को अगर और सही जगह डाल दें, तो आराम से उस 12 साल की मेहनत का फायदा लिया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझिए, उसको तुरंत कॉलेज के चक्कर में या फिर खुद पे डिपेंड मत होने दीजिए, उसको बच्चे को ये सारी चीज़ें कम समझ में आती हैं। तो इसीलिए मैंने आज का सेशन ये पेरेंट्स के लिए रखा है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए, चाहे आप नौकरी पैसा है, चाहे आप मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पैसा हम और कमा सकते हैं, पैसा हम उधार ले सकते हैं, पैसा हम किसी से ब्याज पे ले सकते हैं, पैसा हम कुछ चीज़ हमारी अचल संपत्ति बेच सकते हैं। उसके बाद में भी लोगों ने अचल संपत्ति बेच के भी अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है और उसका रिजल्ट उनको मिला है, क्योंकि मीडियम श्रेणी के परिवार के लिए, मध्यम आय वाले पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो कमाई है, जो दौलत है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारी जो संतान है वही है। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। तो इसके लिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, और आप विश्वास कर सकते हैं, आप जो इन्वेस्ट करेंगे अपने बच्चों पे वो आपको पक्का रिटर्न के रूप में मिलेगा, आपको पक्का उसका फ़ायदा मिलेगा। बस समय लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक साल की बजाय अगर बच्चे का आईक्यू कम है, अगर दिमाग की स्पीड कम है, अगर किसी चीज़ में वो ज़्यादा कमज़ोर है, तो 2 साल लग सकती है, 3 साल लग सकती है, लेकिन किसी भी सूरत में वो बेरोज़गार नहीं रह सकता, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। तो आप भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आगे आने वाले समय में बहुत सी वैकेंसी आ रही है। इस साल के अंदर 2024 के अंदर अभी राजस्थान पुलिस में 2 वैकेंसी, RAC और RISF की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें CET की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर और ASI की वैकेंसी बेटियों के लिए कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी भी आ सकती है। जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहें उनके लिए SSC GD की एक वैकेंसी है जो अगस्त में आने वाली है, जिसका दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आने वाली है। RPF के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा एयरफोर्स की वैकेंसी साल में 2 बार आती है, जो 16.5 साल से अपने बच्चों को उसमें तैयारी आप करवा सकते हैं। आर्मी की भर्ती हर साल हर जिले की होती है। तो इस तरह से जो भी तैयारी आप डिफेंस की बच्चों को कराना चाहें उसके लिए पूरे मौके होते हैं। एक साल में कम से कम 10 तरह की वैकेंसी देखने का मौका मिलता है। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि आप बच्चे को एक ही तैयारी के पीछे मत लगाइए, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन का जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। वही सब में सेम फिजिकल होता है, वही सब में सेम रिटर्न एग्जाम होता है, थोड़ा बहुत लेवल का अंतर होता है। तो आप उस बच्चे को एक साल में जितनी वैकेंसी आती है सबके लिए कंबाइंड रूप से तैयारी करने का प्लान करिए, और वो रिम डिफेंस एकेडमी में बहुत ही बेहतर तरीके से पिछले 11 साल से हम कर रहे हैं, और जो परसेंटेज रिजल्ट है हमारा वो पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट है। ये आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करते हैं रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर, तो उसमें आपको पूरी जानकारी एक साथ मिल सकती है। जो पेरेंट्स अगर ये चीज़ें नहीं समझते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन पेरेंट्स को कंपटीशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मेरा ये वीडियो देखने के बाद अपने किसी मिलने वाले को, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को ज़रूर भेजिए जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, और उनसे ये चीज़ क्लियर करवाइए, कंफर्म करवाइए कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं शेयर कर रहा हूँ, क्या इनमें कोई दम है, क्या ये सही है, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। उसके बाद आप चले आइए मेरे पास, और यहाँ रिम डिफेंस एकेडमी में हम बच्चे के सारे सबसे पहले टेस्ट लेंगे, उसका रिटर्न का क्या लेवल है, पढ़ाई उसकी कैसी है, परसेंटेज वगैरह उसकी क्या रही है, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, उसके लिए कौन सा जॉब बेस्ट हो सकता है। इसके लिए फ्री होता है बिल्कुल करियर काउंसलिंग, जिसके लिए आप पेरेंट्स, आप बच्चों के साथ कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि कितने समय में इस बच्चे के लिए कौन सा जॉब बेस्ट हो सकता है, किसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है, कितना उसमें समय लगेगा, कितना उसमें खर्चा लगेगा। रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में है, जोटवाड़ा में। हमारे पास खुद का फिजिकल का पूरा ग्राउंड है, पूरा ट्रैक है, हॉस्टल फैसिलिटी है, क्लासरूम है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो
ज़्यादा खर्चा वह नहीं कर सकते, उनके लिए अलग प्लान्स होते हैं जो खर्चा कर सकते हैं, जो पेरेंट्स उनके लिए अलग तरह का एक साल का, दो साल का, तीन साल का बैच है। आप रिम डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के बाद आप निश्चिंत हो जाइए और अपना बस इंतजार करिए। हो सकता है कि एक साल की जगह डेढ़ साल लग जाए, दो साल लग जाए, लेकिन बच्चा आपका बेरोजगार नहीं रहेगा। और उसमें हम सारी तैयारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट तक की तैयारी कंप्लीट रिम डिफेंस एकेडमी में होती है। तो जो इतना अच्छा वातावरण आपको वहाँ मिलेगा बच्चों के लिए, जितनी व्यवस्थाएं वहाँ हमारे पास, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी और पूरी गाइडेंस। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपटीशन में होती है वो गाइडेंस की होती है। अगर एक बच्चे को सही से गाइड किया जाए तो वो बच्चा तो कच्ची मिट्टी होता है, उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से हम यहाँ बच्चे पे हर चीज़ ध्यान देते हैं, बच्चे को कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, उसको कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन सी वैकेंसी उसके लिए आने वाली है और किस वैकेंसी के अंदर वो बेस्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ों पे ओवरऑल उसका ध्यान दिया जाता है। तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है आपका तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर जो अकेडमी का एक नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और मेरा एक पर्सनल नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी रूप में अगर मैं सेवा कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इतनी देर मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे आप पेरेंट्स के रूप में हैं तो सम्मान माननीय है मेरे लिए और स्टूडेंट है तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू। जय हिंद।